हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में चलिए बात करेंगे थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो लिखो थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड सोडी। तो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय द रदरफोर्ड एंड सोडी। क्या है पॉइंट्स? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट, ये जो डिसइंटीग्रेशन है ये स्पॉन्टेनियस है। तो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इज स्पॉन्टेनियस एंड रेट ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन, ध्यान दें, टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट और फ्री कंबाइंड फॉर्म। इट इज कॉन्स्टेंट ऑलवेज। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्या गया, तो रेट ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता, ना फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता, ना फ्री और कंबाइंड फॉर्म। मान लो यूरेनियम है, तो यू सॉलिड लें या UF6 गैसियस फॉर्म लें, नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ डिके ऑफ द यूरेनियम 235, मान लो 235 यूरेनियम लें, तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन है उसकी कंबाइंड फॉर्म या फ्री फॉर्म पे डिपेंड नहीं करता। सॉलिड लिया या गैस लिया या लिक्विड लिया, इस पे भी डिपेंड नहीं करता। ऑब्वियसली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट चीजें हैं, टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन पेरेंट एलिमेंट कन्वर्ट्स इंटू अ न्यू एलिमेंट कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। न्यू एलिमेंट कन्वर्ट्स इंटू द न्यू एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Then the parent element. तो during nuclear disintegration parent element converts into the new element, जिसे हम daughter element बोल रहे हैं। और जब element different हो गया तो obviously उसकी physical and chemical properties all will be changed. तो ये point थे, जैसे example दें, for example यही ले लो, जैसे मान लो carbon है 6, 14, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया बीटा पार्टिकल डीके से 7, 14 प्लस माइनस 1 ई 0, दिस इज बीटा डीके। रेडियो एक्टिविटी का मतलब अल्फा बीटा एंड गामा डीके। तो उसकी वजह से देखो एलिमेंट चेंज हो गया,
हालांकि गामा अगर रेडिएशंस केवल इमिट आउट होते हैं तो केवल एनर्जी कम होगी, उससे एलिमेंट चेंज नहीं होगा. एलिमेंट चेंज सो अल्फा और बीटा डीके से होता है. तो बिकॉज ऑफ दिस न्यू एलिमेंट, सो दिस इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट. एंड दिस इज पेरेंट एलिमेंट. सो लाइक दैट यू विल रिमेंबर. अच्छा, एक बात ध्यान दो. फॉर एग्जाम्पल अल्फा डीके से मान लो एक्स है जेड ए, जेड इज द एटॉमिक नंबर, ए इज द मास नंबर. अगर ये अल्फा डीके करता है तो देखो कोई नया एलिमेंट बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा और मास नंबर में 4 की कमी होगी, प्लस 2HE4. ये अल्फा पार्टिकल है. अब अल्फा पार्टिकल बताने की जरूरत नहीं है, इट इज हीलियम न्यूक्लियस. तो याद रखें, एक अल्फा पार्टिकल इमिट आउट करने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी होगी. और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी है तो फिर जो पेरेंट एलिमेंट था उसे कंपैरिजन में जो डॉटर एलिमेंट होगा, यूजुअली इन जनरल इट विल शिफ्ट 2 ग्रुप्स बैक इन द पीरियोडिक टेबल. तो इन जनरल डॉटर एलिमेंट is two groups behind then the parent element. ये in general है, हमेशा नहीं. मान लो वो, अगर मान लो F block का element है तो F block वालों का तो group number 3 होता है. उसमें से अगर मान लो कोई एक alpha particle remove कर भी दिया तो भी हो सकता है कि उसका ग्रुप नंबर 3 ही रहे. तो ये जनरल स्टेटमेंट है, ये स्पेसिफिक नहीं है. वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब आ गया तो फिर तो आप ग्रुप देख करके ये बात कर ही सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो डॉटर एलिमेंट इज टू ग्रुप्स बिहाइंड देन द पेरेंट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल. सो लाइक दैट यू शुड रिमेंबर. एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया ना. अच्छा, बीटा डीके ये तो था अल्फा डीके. अच्छा, बीटा डीके की बात करें तो बीटा डीके से मास नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि बीटा पार्टिकल इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ एटम्स. हाँ, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा. मान लो कोई पी है जेड ए, ये क्यू में कन्वर्ट हो गया तो Z प्लस 1 हो जाएगा. एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया और ये A ही रहेगा, प्लस माइनस 1 E0. दिस इज बीटा पार्टिकल. सो लाइक दैट यू से. तो देखो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया तो इसका मतलब एलिमेंट विल बी शिफ्टेड 1 पोजीशन राइट इन द पीरियोडिक टेबल. सो डॉटर एलिमेंट will be shifted one group right in periodic table. अच्छा, in general है ये भी. Atomic number 1 बढ़ गया है तो एक position आगे खिसक जाएगा तो one group extra हो जाएगा. Group कौन सा? वो IUPAC number 1 से लेके 18 तक. We follow that. In general है ये, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है क्योंकि वो अगर लेंथनाइड या एक्टिनाइड सीरीज का हुआ जो कि सभी रेडियो एक्टिव होते ही हैं तो वहां पर फिर ग्रुप नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता मैनी ऑफ अ टाइम्स. तो इस तरीके से जनरल बात आप कहते हो. तो ये था, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, मास नंबर विल रिमेन अनचेंज इन केस ऑफ बीटा पार्टिकल, और जबकि अल्फा पार्टिकल्स में एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4. कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि मान लो कोई एलिमेंट है जिसे क्वेश्चन है, मान लो फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स डिकेड इन दिस कन्वर्जन. मान लो ये कन्वर्जन है,
जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो लाइक दिस, कुछ ऐसे बोल दिया, यूरेनियम 92 to 38 एंड फाइनली यू गॉट द प्रोडक्ट लेड 206, 82 and 206, लेड 82 and 206। मान लो ये कन्वर्जन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर डिकेड इन दिस कन्वर्जन, तो देखो बड़ा आसान है बताने के लिए, आप जब भी अल्फा और बीटा पार्टिकल्स कितने इमिट आउट हुए हैं, आप पहले अल्फा कैलकुलेट किया करो। तो फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिकेड, अल्फा पार्टिकल्स एंड देन बीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के डीके से मास नंबर में चेंज आता है, बीटा पार्टिकल के डीके से चेंज नहीं आता। जरा देख लो कैसे, बीटा पार्टिकल से मास नंबर में तो चेंज आएगा नहीं, क्या था 238, कहां पहुंच गए 206। व्हाट इज द डिफरेंस, जरा डिफरेंस करना, 32 का डिफरेंस आ गया, और मास नंबर में चार की कमी होती है एक अल्फा पार्टिकल के डीके से, तो 4 और 32 8, 8 अल्फा पार्टिकल टिके हुए हैं क्योंकि बीटा पार्टिकल से तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो अल्फा पार्टिकल्स कितने हो गए 8। अच्छा जब 8 अल्फा पार्टिकल टिके हुए होंगे तो एटॉमिक नंबर में भी कितनी कमी आई होगी, 8 × 2 = 16, 16 की कमी आई होगी, तो 92 - 16 कितना हो गया, 92 - 16 अगर करोगे तो कितना हो गया 76, हाँ 76 ही हुआ, तो 76 और एटॉमिक नंबर 82 पाया गया, और एक बीटा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है, तो 76 से 82 हुआ होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने 6 बीटा पार्टिकल्स इमिटेड आउट, तो बीटा पार्टिकल 6। सो लाइक दैट यू टेल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप ये बात डिफाइन करते हो। तो ये अल्फा पार्टिकल डीके किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, वी टॉक लाइक दिस। चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। दैट्स इट फॉर नाउ।